जो भी गाइडेंस आती है आपके पीछे से ही आती होंगी ना अगर। गाइस सुबह के ना 6 बज रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, और शाम के 6 बज रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं एमजी के शोरूम में। चुल्ले एक वर्ड होता है ना, चुल्ले, सुना है भाई? देखो बहुत टाइम से कह रही थी बाहर नहीं जा रहे, आप लोग भी कह रहे थे, तो हमने सोचा बाहर चल जाते, कुछ खा लेगी, और मेरे को बड़ा मन था वो गाड़ी खा लेगी बेचारी घर में। एमजी की गाड़ी आई है, एमजी एस्टर, बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को। इतने दिन से पीछे पड़ा मेरा, बस देखने का मैंने, तो मैंने कहा चले जाते देख लेते क्या जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है ये गाड़ी की विंडो शॉपिंग करने जा रहे हैं। शोरूम 7 से पहले बंद हो जाता है, 7 बजे तक, तो अब देखते पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक भी है इस टाइम, ऑफिस आवर्स होते हैं, सब छुट्टी हो जाती है सबकी 6 बजे के आसपास। हाँ। और गुड़गांव ट्रैफिक आपको पता ही है, जो इसके पास वो है ना क्या फोन लगाने का जो डंडा होता है, हाँ हाँ। उसे ये दहेज में देगा या कैसे की बहू को दे देगा, कहीं नहीं लाता व्लॉग बनाने भाई। आप लोग को भी दिखाते हैं, आप बताना जरूर गाड़ी कैसे लगी आपको, अभी पहुंच कौन से ले लेगा। और अभी एक और चीज दिखाते हैं, एक और चीज मेरी ना बेस, और अभी हटाया भी नहीं मैंने, अरे अभी दिखा दो। ये इतनी हड़बड़ाहट में मुझे बाहर लेके आता है ना, मैंने पैरों के किससे चप्पलों से प्राइस टैग भी चीकू, कितनी भाई ये कभी उतार के ऐसी जाती है बाहर, ये ऐसी औरत नहीं, मैंने ये आज ही पहना है, बहुत दिन बाद, मैंने जब से जॉब छोड़ी है ना, जब मुझे हटाया गया था नहीं, जब से मैंने जॉब छोड़ी है तब से मुझे ऐसा ऑफिस वाला जाम पहली बार देखने को मिला है। देखो ओ भाई पूरा भरा पड़ा। फाइनली आ चुके हैं एमजीएफ मेट्रोपोलिस मॉल, और आज ही ले जाएंगे बिल्कुल, और ये इस मॉल में हम बहुत कम आए, यहाँ पर थोड़े से शोरूम ना कम है इस वाले में, है ना, और ये थोड़ा वाइड एंगल रात को थोड़ा कम काम करता है, एप्पल वॉच आज तो कहते हैं रेड अम्ब्रेड, रात को थोड़ा कम काम करता है। चल आप पहले गाड़ी देख लेते हैं और फिर खाते पीते हैं कुछ, ये है शोरूम। भाई देखो बात ऐसी है, मैं आपको घर जाके पूरी बात बताऊंगा, तब तक लिए आप एक बार ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेना, कि हमें तो यहाँ मना कर दिया, ये कहा गया कि एमजी की तरफ से मेल आई हुई कि कोई आप व्लॉग वीडियो नहीं बना सकते यहाँ पर, और मैंने इनको ये प्रूफ भी दिखाया कि यूट्यूब के ऊपर आज ही के दिन में इनके शोरूम में बहुत सारी वीडियोज अपलोड हुई है व्लॉग बनाते हुए, जिसमें प्रॉपर तरीके से जो प्रॉपर व्लॉग जो रिव्यू नहीं होता उस टाइप की वीडियोज भी, और लोग जाके वैसे बना रहे, लेकिन इनकी इतनी गंदी, अब मुझे नहीं पता कि क्या बोलते हैं मेल आई है नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैंने कॉल करी है एक शोरूम में एमजी के ही दिल्ली के, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल था, हाँ सर बिल्कुल बना सकते हो, आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेना, अभी इसका मैं बोल लगा देता हूँ, और फिर घर जाके आपको बता दूं हर एक चीज। इतनी गंदी अप्रोच, एक आदमी आपके पास आ रहा है, गाड़ी देख रहा है, प्लान कर रहा है कि अगर हाँ बजट सही हुआ, गाड़ी अच्छी लगी, तो हम सोचे उस बारे में, और गाड़ी के लिए तो कम से कम कितने, मैं इनका इतना गंदा अप्रोच था ना, मैं आपको बताऊंगा अभी जाके कि मतलब क्या रिस्पॉन्स था उनका, ठीक है, मतलब कि 3 बार उस बंदे से पूछा, वो बंदा उठ के नहीं आया वहां से, उनका मैनेजर, मैनेजर मतलब कोई कस्टमर जा रहा है। मैं आप ये रिकॉर्डिंग सुन लो, बाकी मैं घर जाके आपको बताता हूँ। और मैं सोचा था थोड़ा गाड़ी देखने आ सकते हैं, किस टाइम सर? मतलब कल ही आऊंगा, आप तो आ नहीं सकते कल ही, कल आएंगे सर, प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, सो डेट मैं आपके लिए अरेंज कर लूंगा। अच्छा, और हाँ मैं वही क्या बोलता हूँ यार, मैं यूट्यूबर भी हूँ साथ में, मेरे 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स है, ओके। हाँ तो मैं सोचता थोड़ा व्लॉग भी बना लूंगा, कोई इशू तो नहीं है ना? नो इशू सर। अच्छा ठीक है, तो किस टाइम ओपन, थोड़ा सा क्या थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो वो मेरे को थोड़ा अप्रूवल लेना होगा, बाकी आप आ जाइए फिर मैं कोशिश करूंगा आपको वहां करवा। हाँ हाँ, मतलब मेरे को तो ऐसे है कि मैं खुद ही बना लूंगा, थोड़ा बहुत मतलब 1-2 मिनट का गाड़ी का दिखाना है कि ये गाड़ी हमें पसंद आ रही है, वजह से प्लान कर रहे हैं, ठीक है ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू। मतलब सीरियसली शेम ऑन एमजी अप्रोच, मतलब वो कहते हैं ना कि कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि टाटा के शोरूम में कोई अप्रोच ही नहीं करता, भाई साहब जिसकी अप्रोच गंदी होनी हो किसी की भी हो सकती है, तो ये मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को तो इसकी जस्टिफिकेशन दे दे, ये एमजी वाले शोरूम वाले देंगे, एमजी खुद दे, मतलब मेरे हिसाब से ना भाई साहब वर्स्ट था ये एक्सपीरियंस, कि गाड़ी में दिक्कत है या क्या, ये पर्टिकुलर इनके शोरूम के में जो खड़ा हुआ है अभी पीस जो खड़ा है, कौन से गाड़ी चल रही है कुछ नहीं है, सामने गाड़ी खड़ी है उसकी, हमें कहा है कि भाई गाड़ी हम देखने आया, और ये बताया कि यूट्यूबर है हर एक चीज, कोई बहुत ही नॉर्मल, मैंने कहा भाई मैं फिर मैं व्लॉग बनाऊंगा इस चीज का, कि क्या बोलते हैं ये अप्रोच है आप लोग की, अभी कस्टमर देखने आया वो कह रहे कि मैं एक व्लॉग बना लूं, 36 दुनिया इतने हजार लोगों ने बनाया और मैंने फिल्टर करके आज ही की वीडियो दिखाई, तब भी अप्रोच काम सर हम तो वो तो नहीं कर, यार तुम और नहीं, कितना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि एमजी से मेल आई है, कह रहे मेल आई है कि वीडियो नहीं बना सकते, मतलब छोड़ो घर जाके क्या है? नहीं छोड़ो भाई घर जाके क्या ही वीडियो बनानी, यही बता दो सब कुछ, एमजी से मेल आई है एक पर्टिकुलर एमजी रोड वाले शोरूम को, नहीं सब उस... बना, आप मत अबे नहीं मैं भाई घर जाके नहीं, ये बनाते सीधी बात है, देख उन्होंने मेरे को क्या बोला कि भैया सुनो मेरी बात, नहीं हम गए शोरूम में अच्छे से गाड़ी देखी, मैंने कहा भाई थोड़ा सा मैं आप लोग का कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने दिखाता हूँ कि हम ये गाड़ी देखने आए हैं, और ये और बल्कि मार्केटिंग ही होती है, हाँ। और मैं तो ये बोलने वाला था कि भाई ये शोरूम है यहाँ देखने आए, आप नियर बाय बहुत ही अच्छा अप्रोच है, यहाँ चेक करना, नहीं
नहीं मैंने सर मैं परमिशन ले लो, मैं जाकर पूछ लो। पूछने गया, कह रहे कि नहीं सर बना नहीं सकते। मैं कहा चलो ठीक है आप मत आना वीडियो के अंदर, कोई मत आना, और कौन सा हमको खुफिया जानकारी थोड़ी। तो कहते कि नहीं सर क्या बोलते हैं हम नहीं क्या बोलते हैं नहीं मैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है अगर इतनी दिक्कत है आप में से कोई मत आना वीडियो के अंदर। और मैं विलेज भी नहीं था, मैं खुद अपनी वीडियो बना लूंगा, मैं अपने आप खुद मैं अपने लोगों तक तो पहुंचाऊं कि मैं डेली लाइफस्टाइल दिखा रहा हूं क्या मेरे लाइफ में चल रहा है। व्लॉगर हूं, व्लॉगर है। अगर हम कुछ चीज लेने का प्लान करते तो ऑब्वियसली उससे पहले हम उसे दिखाएंगे। अगर आपकी गाड़ी लॉन्च, अगर आपकी गाड़ी शोरूम में नहीं आई है, अगर आपकी गाड़ी पब्लिक के लिए नहीं दिखा रहे हो आप, तो आप छुपाओ उसके अंदर। एक शोरूम में क्या होता है, पब्लिक को आप दिखा रहे हो, ये बहुत ही गंदी आप लोग की वही आप एक इंसान को मतलब। मैं बताता हूँ एक चीज, बताता हूँ मैं आज ये मेरा जो व्लॉग बन रहा है, मैं व्लॉग डालता हूँ हर रोज, उससे मेरी इनकम आती है छोटी छोटी कर करके, है ना। मेरे लिए तो अर्निंग सोर्स इनकम यूट्यूब ही है। मैं उसी के बेस पर अपनी इनकम से मैं कुछ खरीदूंगा जिंदगी में, है ना। और जिस चीज को मैं खरीदने गया हूँ उसने मेरा दिल दुखा दिया वहां पर, पहली बात तो। और कंपनी की अप्रोच इतनी गंदी कि मेरे को ऐसे ट्रीट करा, और बताने के बाद भी कि भाई YouTube पे वीडियोस बनाते हैं व्लॉगर है, तो ये अप्रोच थी। जिस वजह से कि मैं व्लॉग की स्टार्टिंग में देखा होगा कि हम जा रहे हैं एमजी शोरूम जा रहे हैं, तो मेरा एक व्लॉग बनता है इसके ऊपर, मेरी कुछ इनकम आती इस चीज से आती है ना, मैं खुशी खुशी। लेकिन मेरे काम में ही दिक्कत आ गई है, मेरे व्लॉग में दिक्कत आ गई, जो मेरा अर्निंग सोर्स है, जिस चीज की वजह, जिस गाड़ी की वजह से, जिस कंपनी है, तो मैं मेरे लिए तो अनलक्की हुई ना एक तरीके से। अगर आप एक कहीं ना कहीं अंदर होता है हर एक इंसान के, यार ये चीज मेरे लिए अनलकी है, अच्छा हो भगवान ने ये करा दिया। तो भाई मैं यही कहता हूँ, अगर एमजे का कोई ऐसा इंसान जिसको हिंदी समझ आती हो ना अगर, तो देख रहा हो, तो भाई ये सुनना मेरी बात, तुम एक इंडिया में कर रहे हो काम जहां पर इंसान ना पैर रखने से बिल्ली भाग जाती, तब भी इंसान के माइंड में कहने के रहता है, हम कितने भी किस सदी में ये रहता है नहीं यार बिल्ली रास्ता काट गई नेगेटिव हो कुछ। तो ये जो तुम्हारी अप्रोच है ना, इस अप्रोच इतनी गंदी अप्रोच है। और नहीं नहीं मैं एक बताती हूँ, वो बंदा ना जो मैनेजर था, वो जो बंदा दिखा रहा था गाड़ी, तीन बार उसके पास गया, ठीक है, वो ये तो बोल रहा है मीटिंग में कि नहीं वीडियो नहीं बना सकते, मेल आई है, लेकिन तीसरी बार अप्रोच कर रहे हैं उसको, दस मिनट करते हो, हम आप 15 से 20 मिनट शोरूम में थे आराम से। नॉर्मल भी अगर कस्टमर है और हमें मैनेजर से बात करनी है, ठीक है, दस मिनट बोल के जहाँ की उसको पता लग गया, उसको पता लगे कि व्लॉगर है, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, भाई हमारा अर्निंग सोर्स है, से ही नहीं उठ रहा है मैनेजर, उठ के ही नहीं आ रहा है, अर्निंग सोर्स भी चल ठीक है। एक कस्टमर अगर जाता है, ठीक है, और एक कस्टमर को दिक्कत है, अगर वो कुछ पूछ रहा है, नॉर्मल भी अगर कोई कस्टमर चाहता है ना कि एक बार मैनेजर से मिलना है क्या है। और इंडिया में नहीं, इन कंपनीज की सबसे बड़ी अप्रोच मैं बताता हूँ, इनको लगता है क्या ही होता है, मैं बताऊँ कुछ नहीं होता होगा, लेकिन आपकी जो इमेज बनती है ना बहुत खराब बनती है। और एक और चीज बता दूं, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता होगा कोई नहीं, लेकिन जब बड़ी से बड़ी फोर्ड जैसी कंपनी अगर इंडिया से जा सकती है ना, तो भाई साहब बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है, तो किसी का दिल मत दिखाओ। मैं तो बता रहा हूँ 10 लोग, मैं अगर भाई मैं कह रहा हूँ सीधी बात कह रहा हूँ, देखो मेरा तो दिल दुखा है, चाहे इस पर्टिकुलर शोरूम का था चाहे किसी का था, शेम ऑन यू एमजी, शेम ऑन यू आप लोग, क्योंकि जो भी गाइडेंस आती है आपके पीछे से ही आती होंगी ना अगर। और प्लस मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, जो लोग और इन पर्टिकुलर जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, मतलब जो रेगुलर व्लॉग, उनको हमारा नेचर पता है, जिनको चीज वैलिड लग रही है कि हम सही चीज के लिए बोल रहे हैं, वो एक बार कॉल करके पूछे जरूर उनसे कि ऐसा क्या हुआ था, मतलब ऐसा क्यों था, ऐसा क्या था, इतनी दिक्कत आ गई। और आपने कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन ली होगी अब तक। मैं बताता हूँ, मैं बलेनो लेने गया था, भाई साहब इतना प्यार से बिठा के, इतना प्यार से हैंडल करते हैं ना, वही दुनिया कहती है कि इंडियन गाड़ी, भाई साहब नहीं बहुत उनका बहुत अच्छा होता है, मारुति की बात भी आज भी अगर हम किसी उस मैं तो जाते हैं, 10 बार जाता हूँ मारुति, भाई साहब ने बलेनो लेके, भाई साहब जो एक्सपीरियंस है ना वहाँ का, एक नंबर, आज तो दिक्कत नहीं, कितने बार